Hello everyone. Welcome to Career Planet Jodhpur. So my name is Shelly Gurwani, and we are studying our chapter mole concept. So in our previous class, we have discussed about laws of chemical combination. मैंने आपसे कहा था देर आर फोर टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन से फाइव टाइप्स इफ यू आर इंक्लूडिंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देन टोटल फाइव हो जाएगा अदरवाइज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीआर में नहीं है तो हम फोर मान लेंगे क्या ही फर्क पड़ता है ठीक है तो बच्चों फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था सेकेंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ये भी हमने पढ़ लिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन प्रपोज्ड बाय डोल्टन इसको हमने पढ़ा था एक बार वापस बता देती हूँ ताकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो जाए बाकी दो पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी इसमें हुई नहीं थी तो एक बार वापस लॉ डिस्कस करके और न्यूमेरिकल की तरफ चलते सो लेट्स गेट स्टार्टेड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोशियर फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं आप देन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन देन ये दिया था प्राउट ने ठीक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर्ड और लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम गैल्यूसैक्लो आज सारे लॉ खत्म कर देंगे ठीक है तो हम चलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अब आपने लिखा था ये तो आपको याद है मैंने आपको कहा था कोई दो एलिमेंट ले लो मैंने टू एलिमेंट्स ए एंड बी ठीक है लाइक सी एंड ओ तो तुम कहोगे सी और ओ मिलके तो सी ओ भी बनाते हैं मैडम और सी ओ टू भी बनाते हैं करेक्ट सी और ओ मिलके सी ओ भी बनाते हैं सी ओ टू भी बनाते हैं मैं टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स तो हम कहेंगे हां टू तो बनाए थे एक तो सी ओ एंड सी ओ टू तो बच्चे सी ओ में एक सी है सी ओ टू में भी एक सी है तो सी तो कॉन्स्टेंट है मास भी फिक्स है लेकिन ओ और ओ टू तो एक में ऑक्सीजन एक है एक में ऑक्सीजन दो है तो मास का रेशियो बन स्ट्रो टू तो? है ना तो आपने कहा कि जिसके डिफरेंट मासेज है वैन टू एलिमेंट ए एंड बी कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड एन डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट जिसके डिफरेंट मासज है विच कंबाइंस विद कॉन्स्टेंट मास ऑफ अनोदर एलिमेंट बियर्स अ सिंपल रेशियो ठीक है लाइक कैसे तो हम दूसरे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सी CO और सी टू का एग्जाम्पल मैंने दे दिया था एस और ओ का भी दे दिया था वापस देख लेते चलो ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो देखो सी और ओ मिलके क्या बनाते हैं तो मैंने कहा सी ओ या फिर सी टू तो बच्चे सी ओ में सी और ओ का रेशियो तो देखो कार्बन का मास आप सबको पता है ट्वेल्व यूनिफाइड एंड ऑक्सीजन का मास होता है सिक्सटीन यू ठीक है सिंगल आइटम की बात करें तो ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन का सिक्सटीन ओके सी में तो बच्चे सी का तो ट्वेल्व ही रहेगा बट हेयर ओ एंगे थर्टी टू ना एक का तो मांस कॉन्स्टेंट है और इनका डिफरेंट है तो जो डिफरेंट है दे आर इन सिंपल रेशियो सिक्सटीन इज टू थर्टी टू दे आर इन द रेशियो ऑफ वन इज टू टू क्लियर सिमिलरली वेन एस एंड ओ कम्बाइंड टूगेदर सल्फर और ऑक्सीजन को मिला दो तो बच्चे सल्फर और ऑक्सीजन को मिला दोन वेदर इट विल फॉर्म एस ओ टू और इट विल फॉर्म एसओ थ्री बट इन बोथ केसेस देर इज सिंगल एस SO2 टू साउंड एस एसो थ्री अगेन साउंड एस बट ओ टू ओ थ्री टू टू थ्री तो मास का रेशियो दे विल बी टू टू थ्री तो हम कहेंगे ओके SO2, टू एस का मास थर्टी टू ओ टू का ओ का सिक्सटीन ओ टू का थर्टी टू सिमिलरली एसओ थ्री तो बच्चे एस का मास थर्टी टू ओ थ्री सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट ओके देन 32 32 टू तो कॉन्स्टेंट है बट 32 48 सो रेशियो विल बी टू रेशियो थ्री ऑक्सीजन जो है उसका मास क्या रहेगा? मास क्या क्या रहेगा Simple ratio रहेगा रहेगा रेशियो रेशियो बाय सिंपल ठीक है अब कुछ नए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सो so, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एग्जामिनर आपको तीन से चार कॉम्बिनेशन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सी ओ एंड सी ओ टू एसो एंड एस ओ टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना तो हमें चेक करना पड़ेगा सी CO ओ और सी ओ टू में तो सी सी है ओ ओ टू तो हमें यह लगेगा एसओ टू एसओ थ्री ट्रिक बिठाओ ऐसे ऐसे ठीक है लेकिन ओ टू ओ थ्री फिर लगेगा ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक एन ओ है ना या ठीक है चलो एन ओ एन ओ टू एन टू ओ थ्री एन टू ओ फोर एंड एन टू ओ फाइव ओके और मैं यहाँ एन टू ओ ले लेती हूँ है ना नाइट्रस ऑक्साइड एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड होता है मैंने यहाँ एन टू ओ ले लिया ओके okay. कोई टेंशन नहीं नाउ वॉट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का एटोमिक मास है फोर्टीन यू सिमिलरली ऑक्सीजन का एटोमिक मास है सिक्सटीन यू सो वेन यू आर सेन टू ओ N2O तो वन नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का मास कितना है 14 N2 28 तो मैं कहूँगी हेयर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 एंड ऑक्सीजन सिंगल है तो 60 NO2 में N 14 है लेकिन O2 16 सिक्सटीन इन टू टू थर्टी टू एन टू टू एन प्लस एन फोर्टीन प्लस फोर्टीन ट्वेंटी एट एंड सिक्सटीन थ्रीजा फोर्टी एट सिमिलरली ट्वेंटी एट सिक्सटी फोर एंड कितना हो गया एटी सिक्सटीन फाइव एटी कोई डाउट नहीं नाउ आपने कहा था एक का मास कांस्टेंट होना चाहिए सो इन ऑल द केसेस वी आर फाइंडिंग नाइट्रोजन मास कांस्टेंट है बट इस यहाँ है ना इस केस में देखो सो नाइट्रोजन यहाँ फोर्टीन आ रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था इसको ट्वेंटी एट होना चाहिए था तो मैं कहूँगी ठीक है भाई अगर मुझे इसको कॉन्स्टेंट करना है तो मैं इसको डबल कर लेती हूँ

तो ये तो कांस्टेंट है सब 28 से और ये तो 16 की टेबल चल रही है है ना तो डिफरेंट मैसेस ऑफ वन एलिमेंट विच कमबाइंस विद कांस्टेंट मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट बीअर्स अ सिंपल रेशियो तो मुझे लग रहा है ये तो 16 की टेबल है है ना 16 1स 16 16 2स 32 है ना 16 <coughs> 16 3स 48 देन 4स आर एंड 16 5स आर 80 सो हियर द डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन विच आर कंबाइन विथ ट्वेंटी एट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बियर्स अ सिंपल रेशियो सीधी सरल भाषा में एक कॉन्स्टेंट रहेगा दूसरा डिफरेंट रहेगा और जो डिफरेंट रहेगा उसका रेशियो सिंपल होगा क्लियर है सिंपल है कहीं कोई टेंशन नहीं अगर आप इलेवेंथ के एग्जाम्स दे रहे हैं तो लैंग्वेज याद करनी है और अगर आप नीट और जय का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस लॉ का आइडिया होना चाहिए सी ओ सी ओ टू कौन सा लॉ लगेगा मल्टीपल प्रोपोर्शन एनओ एनो टू मल्टीपल प्रपोर्शन दो एलिमेंट रेशियो डिफरेंट है ना एक कॉन्स्टेंट दो एलिमेंट दो कंपाउंड मोर देन टू कंपाउंड बट एक कांस्टेंट, दूसरा डिफरेंट ठीक है मास डिफरेंट रेशियो सिंपल आएगा ठीक है ना छोटी सी तो बात है क्लियर है अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन पोरॉक्साइड एंड वाटर सो देखो हमारे पास दो केसेस है फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन पोरॉक्साइड मीन एच एंड वॉटर मीन्स तो मैं कहूंगी वाटर मतलब एच टू ओके देन क्या कहना चाह रहा है ये तो हम कह रहे हैं देखो हाइड्रोजन बरऑक्साइड और हाइड्रोजन सॉरी वाटर में हाइड्रोजन 5.93 एंड 11.2 परसेंट है तो भाई यहाँ तो हाइड्रोजन है 5.93 और यहाँ हाइड्रोजन है 11.2 परसेंट इलेवन पॉइंट टू परसेंट तो देखो परसेंट मतलब टोटल हंड्रेड अब हाइड्रोजन का इतना पार्ट है तो बच्चे ऑक्सीजन तुम्हें तो होंगे हंड्रेड में से माइनस कर दो हंड्रेड माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट नाइन थ्री ठीक है तो हंड्रेड में से फाइव लेस कर दो तो नाइन्टी फाइव है ना और कितना बनाओ नाइन्टी फोर पॉइंट जीरो सेवन बना दो क्या बोल है ना नाइन्टी फाइव और हंड्रेड हो गया ना सिमिलरली ऑक्सीजन तो हंड्रेड माइनस एलेवन पॉइंट टू हंड्रेड माइनस एलेवेन पॉइंट टू तो मास बनाओ कितना हुआ तो नाइन्टी एक और कम कर दो एटी नाइन एटी एट पॉइंट एट लग रहा है ठीक है सो दिस विल बी एटी एट पॉइंट एट कोई दिक्कत नहीं अब मुझे तो ये कह रहा है कि भाई प्रूफ करके बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल लगना चाहिए तो मुझे वैसे ही दिख रहा है देखो एच टू ओ टू एच टू ओ इधर भी H2, उधर भी H2, तो H2 तो कांस्टेंट है एक तरफ O है एक तरफ O2 है तो यहाँ O2 है तो यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो टू और वन में आना चाहिए अब ये तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया प्रूफ करके देना है तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट टर्न पर भाई ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वेट कितना है तो हम कहेंगे देखो हाइड्रोजन तो फाइव है और ऑक्सीजन कितना है सो दिस इज़ 94.07 फोर है ना सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो छोटी डिजिट है स्मॉलर डिजिट उसको दोनों साइड में डिवाइड कर दो सो 5.93 डिवाइडेड बाय 5.93 एंड 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93 बन जा भाई 5.93 ठीक है ताकि ये तो एक बने और ये एक से ज्यादा हो आपको लगेगा ऐसा क्यों छोटी वाली क्यों करते हो बड़ी वाली कर दो अब सोचो मेरे पास अगर कोई चीज एक है सामने वाले के पास दो है तीन है चार है तो मेरा कैलकुलेशन ईजी अब मैं कह रही हूँ कि नहीं मेरे पास तो एक पर्टिकुलर चीज़ है और वो कह रहे तो आधी है पोनी है वन थर्ड है पॉइंट थ्री थ्री है तो मेरा सिर दुखा देगा यार ऐसे तो मत करो एक से ज़्यादा बोलोगे तो ईजी लगेगा ना सिमिलरली जो छोटी डिजिट है उसको तो कम से कम एक बनाए तो ऑब्वियसली बड़ी है वो एक से ज़्यादा है ना तो उसको सॉल्व कर फिर यहाँ बताओ तो मैं कहूँगी ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ले लो सो हाइड्रोजन हेयर एलेवन पॉइंट टू and ऑक्सीजन so this is 88.8 now smaller data divide kar do dono कर दो दोनों साइड में okay. so, students 11.2 further divided by 11.2 and 88.8 divided by 11.2 okay so this is 1 or i think ye 8 ke around aana chahiye वन और आई थिंक ये एट के अराउंड आना चाहिए ठीक है और ये आपने फाइंड कर ही लिया होगा है ना तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ आपके पास था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ठीक है तो अगर ये वन है तो ये कितना है बता दो और वो कितना है बता दो फटाफट है ना तो मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ फिलहाल आपके पास है ये ठीक है नाइनटी फोर डिवाइडेड बाई फाइव पॉइंट नाइन थ्री ये आपका आएगा फिफ्टीन पॉइंट एट सिक्स फिफ्टीन पॉइंट एट सिक्स और ये आएगा सेवन पॉइंट नाइन टू ठीक है एट के अराउंड होगा लेकिन ये पॉइंट टू है और ये एट है है ना तो ज़्यादा हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा तो ठीक है सेवन पॉइंट एट टू कह रहा हूँ ठीक है नाउ मुझे तो क्लियर था कि ऑक्सीजन का रेशियो विल बी टूस टू वन या ऑक्सीजन दो है या ऑक्सीजन एक है तो आंसर तो टूस टू वन होना चाहिए अब वैसे भी देख लो हाइड्रोजन के एक पार्ट से ऑक्सीजन तक कंबाइन हो रहा है वहाँ पे भी हाइड्रोजन के एक पार्ट से ऑक्सीजन तक कंबाइन हो रहा है और जो लोग कंबाइन हो रहे हैं क्या वो सिंपल रेशियो में हैं तो 15.86 एंड 7.82 Both are in the ratio of 2 ratio 1. Simple. ठीक है अब आपको लगेगा कि नीट में कैसे बन जाएगा उसको तो प्रूफ करना आएगा नहीं नहीं आएगा है ना और अगर वो ऐसा कोई डेटा दे भी देता है और आंसर पूछता है और वो सोचता है तुम्हारी कैलकुलेशन तो तुम्हें क्या करना है चार ऑप्शन देखने है ना और जिन ऑप्शन में ऑक्सीजन का रेशियो टू इस टू वन बैठ रहा है वो सही है अब हम दो ऑप्शन है जिनमें ऑक्सीजन का रेशियो टू इस टू वन है तो फिर तुम्हें तो थोड़ा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक रहेगा ऑक्सीजन का रेशियो शुड बी टू टू वन आना चाहिए क्लियर है सिंपल है है ना तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन एक और देखते हैं अच्छा बच्चों सेम लेक्चर हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है है ना अगर लगे कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूं ये पूरा लेक्चर इंग्लिश में सेम एज इट इज डिटो सेम क्वेश्चन हिंदी में भी करवाए हुए तो आप वो भी देख सकते हैं ठीक है तो चलो कार्बन कंबाइंड विद हाइड्रोजन इन पी क्यू आर कार्बन कंबाइंड विद हाइड्रोजन ठीक है कार्बन हाइड्रोजन मिले तो मीथेन बनाए इथेन बनाए इथेन बनाए कुछ भी बना सकते हैं लॉट्स ऑफ कंपाउंड इवन पूरी लाइफ पूरी बॉडी ऑर्गेनिक है तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके कुछ भी बना सकता है भाई मर्जी है इनकी तो फिलहाल इससे तीन कंपाउंड बनाए हैं दैट इज पी क्यू एंड आर ओके पी क्यू आर तीन कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन के नाउ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन पी क्यू आर तो भाई कार्बन लिख दो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन यहां तो है ट्वेंटी फाइव तो कार्बन कितना होगा तो मैं कहूंगी हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव यानी कि सेवेंटी फाइव ओके आप चाहे लिख दो देन क्यू में हाइड्रोजन इज फोर्टीन पॉइंट थ्री तो हाइड्रोजन इज फोर्टीन पॉइंट थ्री सो कार्बन कितना होगा तो हम कहेंगे हंड्रेड माइनस फोर्टीन पॉइंट थ्री नव हंड्रेड माइनस टेन नाइन्टी नाइन्टी माइनस फोर एटी सिक्स एटी सिक्स माइनस पॉइंट थ्री सो इट विल बी एटी फाइव पॉइंट सेवन चेक कर लेना भाई ठीक है एटी सिक्स नाइन्टी हंड्रेड ओके देन आर की बात करें तो हाइड्रोजन इज सेवन पॉइंट सेवन ओके सो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सेवन पॉइंट सेवन तो कार्बन अब तक तो कर लिया होगा हंड्रेड माइनस सेवन पॉइंट सेवन सो दिस विल बी नाइन्टी टू पॉइंट थ्री ठीक है यहाँ तक की तो कहानी क्लियर है यहाँ तो कुछ है भी नहीं है ना तीन कंपाउंड है पे क्यू आर कार्बन है हाइड्रोजन है बोला है वो इसलिए मैंने लिखा है कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन अब मुझे सबका सिंपल रेशियो चाहिए ठीक है तो आप कहेंगे कार्बन हाइड्रोजन सिंपल रेशियो ले, ले लेते हैं कार्बन रेशियो हाइड्रोजन कार्बन सेवेंटी फाइव हाइड्रोजन ट्वेंटी फाइव मैंने कहा था जो छोटी वाली डिजिट है है ना उसको दोनों में डिवाइड कर लो तो तुमने कहा कर लिया भाई डिवाइड यहाँ तो थ्री टू वन है ठीक है यहां आ जाते हैं है ना कार्बन रेशियो हाइड्रोजन तो बच्चे हाइड्रोजन फोर्टीन पॉइंट थ्री है कार्बन इज एटी फाइव पॉइंट सेवन स्मॉलर डिजिट इज फोर्टीन पॉइंट थ्री एंड हियर अगेन फोर्टीन पॉइंट थ्री सो दिस इज वन और यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा छः या पाँच के आसपास आना चाहिए अभी चेक करते हैं नाओ हियर कार्बन एंड हाइड्रोजन सो स्टूडेंट हाइड्रोजन इज सेवन पॉइंट सेवन कार्बन इज नाइन्टी टू पॉइंट थ्री डिवाइड बाय स्मॉलर डिजिट सो सेवन पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय सेवन पॉइंट सेवन एंड दिस इज वन एंड हियर नाइन्टी टू पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन सो डिवाइड टू पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय सेवन ठीक है तो फाइनल आंसर यू विल गॉट सो आपको मिलेगा नाइन्टी टू पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई सेवन पॉइंट सेवन दिस इज ट्वेल्व एंड देयर इज सिक्स सो दिस इज सिक्स एंड दिस इज ट्वेल्व ओके तो मैंने कहा था एक कॉन्स्टेंट दूसरा डिफरेंट तो आपने कहा था हाइड्रोजन तो सब नहीं बंद कर दिया है ना और दूसरा डिफरेंट और मेरे पास तीन बार है ठीक है आपके पास तीन बार है देखेंगे रेशियो थ्री सिक्स एंड ट्वेल्व तो तीन की टेबल चल रही है है ना थ्री वंस आ थ्री है ना थ्री टू जार्स एंड थ्री फोर जार ट्वेल्व तो वन टू फोर ओके एक का कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंट डिफरेंट वाला विल बी इन सिंपल रेशियो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज्ड बाय डाल्टन सिंपल है कोई टेंशन नहीं निमेरिकल बनेगा इसी पैटर्न का बनेगा नाउ वन लो नेक्स्ट लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अभी कराते नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं बट दिस इज माय फेवरेट लॉ तो चाहिए थोड़ा मजा आता है पढ़ लेना चाहिए है है ना बाय ठीक बेचारे साइंटिस्ट ने लॉ बनाया तो याद ही कर लो याद ही कर लो पढ़ दो तो लो थोड़ी तो इज्जत रख लो उसकी ठीक है ना वॉट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको क्या करना है यहां पे तीन एलिमेंट लेड है अभी तक तो दो दो में गेम चल रहा था है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अब देखो एन ने दे दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये तो बुक में था ही नहीं आपने सवाल कैसे दे दिया वो कह रहा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और मेरे तीन दिए एक एक्स्ट्रा का तुम पढ़ लो सवाल तो बन ही सकता है आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते यही एडवांस का पेपर देख लो फिर आप कहेंगे एन में तो मैडम ये कहीं लिखा हुआ है ये कहीं लिखा हुआ है और ये तो कहीं है ही नहीं बट क्या कर सकते हैं है ना सो so, भरोसा नहीं है पढ़ के जाना है अगर आपको लगे तो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ के जाओ कॉन्सेप्ट बनते ही हैं क्या ही फर्क पड़ जाता है है ना तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन एलिमेंट्स आप अपनी पसंद के कोई तीन एलिमेंट ले लो लाइक like आप ले लो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ठीक है तो इस बार मुझे एक ट्राइंगल बनाना है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपने अपनी पसंद के तीन एलिमेंट ले ली तो मैंने कहा ओके कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ठीक है जिसका वहां कम है उसको ऊपर रखो बट ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि तुम हाइड्रोजन को यहाँ रखो है ना दिस इज नॉट कम्पल्सरी ना लेकिन तुम्हारा आंसर तुम्हारी क्लास में सब बच्चों का आंसर सेम आए तो क्या होगा कि ये सबका आंसर सेम आएगा तो हमें लगेगा कि हाँ हमने सही किया ठीक है इसलिए बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है आपकी जो मर्जी है उसको ट्राइंगल के टॉप पर रख दो नाउ लॉ ऑफ रेसिक रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है वेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी ठीक है कंबाइन कम्बाइन थर्ड एलिमेंट सी ठीक है तो भाई सी इससे कंबाइन होके सी एच फोर बना रहा है और बी इससे कंबाइन होके एच टू ओ बना रहा है टू एलिमेंट्स ए एंड बी और सी मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे ठीक है ओके देन वेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन विद अ मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी तो तुम कहोगे कॉन्स्टेंट कहा है मैडम यहाँ सी एच फोर में तो कार्बन ट्वेल्व है और हाइड्रोजन फोर नज़र आ रहा है लेकिन वाटर में तो हाइड्रोजन टू है ऑक्सीजन सोलह पार्ट नज़र आ रहा है तो मैं कहूँगी डबल कर ले बेटा सिखाया तो था है ना टू पार्ट से 16 कंबाइन होता है तो ऑब्वियस है फोर पार्ट से 32 कंबाइन होता है ओके तो व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन विद द कॉन्स्टेंट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स थर्ड एलिमेंट सी देन देर रेशियो बाय मास ठीक है तो मैं कह देती हूँ रेशियो बाय मास ऑफ रेशियो रेशियो बाय मास किसका तो भाई कार्बन का एंड ऑक्सीजन का जो कि हाइड्रोजन के फोर पार्ट से है ना कंबाइंस विद फोर पार्ट हाइड्रोजन कांस्टेंट करना था हाइड्रोजन फोर पार्ट हाइड्रोजन तो मैं कहूँगी हाँ बताओ कार्बन रेशियो ऑक्सीजन तो देखो इसके फोर पार्ट से कार्बन तो ट्वेल्व पार्ट कंबाइन होता है और इसके फोर पार्ट से ऑक्सीजन थर्टी टू कम्बाइन होता है और इनका रेशियो तो मैं कहूँगी फोर थ्री ट्वेल्व और फोर एट थर्टी

तो बच्चे अगर कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन होते हैं लाइक आप कह रहे हैं CO2 कार्बन रेशियो ऑक्सीजन तो CO2 में कार्बन इज 12 पार्ट, ऑक्सीजन इज 32 तो मुझे तो लग रहा है ये 3:8 है और यहां पे भी क्या था 3:8 सो बोथ दीज रेशियो विल बी सिमिलर और अगर CO लेते तो सिमिलर तो नहीं होते तो मल्टीपल ऑफ ईच अदर या तो सेम हो जाएंगे है ना या फिर मल्टीपल हो जाएंगी ठीक है नहीं आया समझ में नया एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो बोलो तुम्हारे कोई तीन फेवरेट एलिमेंट बोलो जिनकी आपस में रिएक्शन भी होनी चाहिए है ना यू नहीं एलियम नहीं और आर्कन फिर तो कंपाउंड ही बन गया कोई ऐसे तीन एलिमेंट सिंपल सिंपल है वो भी छोटे छोटे लॉस पढ़ रहे हैं ना एलेवंथ क्लास की स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंपल था लाइक मैंने सल्फर मिला दिया यहाँ पे ठीक है तो मैंने कहा ऐसा करो हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन ले लो सेम कॉम्बिनेशन सेम ट्राइंगल बस सी इज रिप्लेसड बाय सल्फर ओके नाउ वेन टू एलिमेंट्स ध्यान से समझना वेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी ठीक है कम्बाइंस विद कॉन्स्टेंट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी ठीक है टू हाइड्रोजन एंड सल्फर कम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म एच टू एस एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म एच टू ओ ठीक है तो मुझे ये देखना है कि यहां हाइड्रोजन का मास आप कहेंगे टू एंड सल्फर इज स्टूडेंट सल्फर का एटॉमिक मास है थर्टी टू सो ये सल्फर इज थर्टी टू सिमिलरली इन वाटर हाइड्रोजन इज टू पार्ट एंड ऑक्सीजन इज सिक्सटीन पार्ट सो रेशियो ऑफ मासज सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद कॉन्स्टेंट मास ऑफ हाइड्रोजन ठीक है रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद विच कंबाइंस विद कांस्टेंट में कितना तो हम गएंगे टू पार्ट टू पार्ट हाइड्रोजन ठीक है तो बच्चे हाइड्रोजन के दो पार्ट से सल्फर और ऑक्सीजन का कितना पार्ट कंबाइन हो रहा है तो चेक कर लेते हैं देखे हाइड्रोजन के टू पार्ट से सल्फर थर्टी टू और हाइड्रोजन के टू पार्ट से ऑक्सीजन 16 सो दिस इज थर्टी टूज टू सिक्सटीन मीन्स टू रेशियो वन ठीक है अब मैंने कहा था वेन दे कंबाइन डायरेक्टली टू एसो रो एसो टू तुम कहोगे नहीं मैं तो ऐसो so थ्री बनाऊंगा चॉइस है है ना तो तभी तो मैंने लिखा वेदर इट विल भी सिमिलर और मल्टीपल मान लो मैंने तो ऐसो so टू ले लिया मैंने तो सोचा तो ही नहीं था एसो थ्री तो इन एसो टू रेशियो बाय मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन तो बच्चे सल्फा थर्टी टू ऑक्सीजन ओ सिक्सटीन ओ टू थर्टी टू सो दिस इज वन इज वन है ना तो हुआ क्या वेदर बोध दीज बी मल्टीपल तो सेम तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली एक से ज्यादा कंपाउंड की पॉसिबिलिटीज होती हैं तो सेम होंगे या मल्टीपल होंगे बाई वन रेशियो वन मतलब वन और टू रेशियो वन मतलब टू तो वन इज टू टू हो गया ना बस दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको लगेगी नहीं मुझे इसको लैंग्वेज में लिखना है थोड़ा सा भी लॉ स्वीटू लगाओ हो क्या अच्छा लॉ है तो आप उसको जरूर लिखना है ना क्या लिखना है देखो स्कूल एग्जाम्स में तो नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीआरटी में नहीं है बट फॉर जनरल नॉलेज वेन टू एलिमेंट्स वेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन्स विद वेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी Combines with constant mass, constant mass of third element, third element C. Then their ratio of mass, ratio of mass is similar. और मल्टीपल है ना या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा किसके? तो आपको बताना है विद द रेशियो ऑफ मास रेशियो ऑफ मास इन विच दे कंबाइन डायरेक्टली है ना तो बच्चे जब वो डायरेक्ट कंबाइन होते हैं तब का रेशियो बाय मास और जब वो इस तरह से ट्रायंगल में कंबाइन होता है तब का रेशियो बाय मास विल बी ईदर सिमिलर और मल्टीपल दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सिंपल आ गया समझ में एग्जांपल्स देखे साधने वाले को समझा देना ठीक है चलो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना रोज रोज याद दिलाना पड़ता है ठीक है चलो तो थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है करें क्या टाइम ऐसा आ गया है ना नेक्स्ट लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और आप कहेंगे गैल्यूसैक लॉ ठीक है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और गैल्यूसक लॉ अब ये क्या है इसको मत पढ़ो एग्जाम्पल से समझो है ना क्योंकि यहाँ आप कन्फ्यूज होते गैसिस वॉल्यूम क्या है देखो जब ये लॉज आए थे ना एवोगेड्रो भी आया नहीं एवोगेड्रो आया तो उसने बोला कि अच्छा हाइड्रोजन एच टू होता है क्लोरिन सी एल टू होता है एन एच थ्री अमोनिया एन एच थ्री होता है पहले नहीं पता था कि हाइड्रोजन टू होता है आपको क्या पता H2 होता है H3 भी हो जाता H6 हो जाता टेन हो जाता आपको क्या पता था है ना तो जो एटोमिसिटी का कॉन्सेप्ट है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे दैट वॉज गिवन बाई एवोगेड्रो और एवोगेड्रो तो अभी आया नहीं तो फिलहाल मैं इक्वेशन लिख रही हूँ भी आज हम आज के टाइम में पढ़ रहे हैं तो अगर मैं तुम्हें कि अच्छा ठीक है देखो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है है ना और यहाँ पे मुझे रिएक्टेंट भी गैसेस चाहिए और प्रोडक्ट भी गैसियस चाहिए लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम जो है ये गैसेस मिक्सचर की बात करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस स्टेट ठीक है इन द सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आप चाहे एन टी पी लें नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और एस टी पी लें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ठीक है मुझे जो कंडीशन चाहिए दैट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस स्टेट ठीक है मान लेते हैं सो स्टूडेंट्स वेन हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म एच सी एल ठीक है हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बनाता है तो हम कहेंगे एचसीएल बनाता है ओके okay. हाइड्रोजन hmm. क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बनाता है तो हम कहेंगे एच बनाता है और एच भी क्या है गैसीय स्टेट के अंदर है ठीक है अब क्या करें तो गैल्यू का कहना है कि गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम मतलब देखो इस रिएक्शन को देख लूँ तो मुझे लग रहा है ये एक लीटर है ये एक लीटर है वो दो लीटर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक लीटर में एक लीटर मिलाया तो मैडम आंसर तो दो ही आएगा गैस है वॉल्यूम कहाँ फिक्स होता है पानी थोड़ा ना है कि पानी एक लीटर पानी ले लिया एक लीटर दूध ले लिया और दो लीटर बन जाए ऐसा नहीं है लिक्विड थोड़ा ना है जो वॉल्यूम फिक्स रहेगा गैसियस है ना तो इस इक्वेशन की स्टॉक्योमैट्रिक देखो आपको लग रहा है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और आंसर में क्या है हाइड्रोजन और क्लोराइड का दो मॉलिक्यूल है अब ये अभी आपको सिंपल लग रहा है लेकिन सोचो कि मैं तुम्हें बताती नहीं कि एच टू सी एल टू और टू एच सी एल मैं कहती हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आंसर हाइड्रोजन क्लोराइड

ऐसा नहीं होगा एक एक तो एक 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 भी हो सकता था डिपेंड्स कौन सा कंपाउंड बना रहे ठीक है लाइक हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं मान लो मैं आपसे कहती हूं सल्फर डाइऑक्साइड सो दिस इज गैस ओ टू दिस इज अगेन गैस एंड द प्रोडक्ट इज एसो थ्री सल्फर ट्राई ऑक्साइड दिस इज ऑल्सो इन गैस स्टेट नाउ स्टूडेंट्स ट्वाइस एसो टू दो वॉल्यूम ओ टू वन वॉल्यूम अभी लिक्विड लिक्विड नहीं है कि दो लीटर एक लीटर तीन लीटर नो बाय द रिएक्शन इट इज प्रूव दैट हियर टू एसो टू मीन्स इफ वी आर यूजिंग टू लीटर ओ टू वन वॉल्यूम एक लीटर देन प्रोडक्ट विल बी टू वॉल्यूम टू लीटर नॉट थ्री लीटर क्योंकि आपने लिखा है ट्वाइस एसो टू सो दिस विल बी टू वॉल्यूम अभी हमने टॉइस ऐसे उतरे लिखा है क्योंकि अब तो हम सीख गए रिएक्शन लिखना पहले प्रैक्टिकली हमें ऐसे लिखना पड़ता था तब हमने बनाया कि अच्छा ओ टू होता है ओ थ्री तो ओजोन चला जाता है ओ फोर कुछ नहीं होता है ओ एग्जिस्ट नहीं, नहीं करता है अभी तक आइटम और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है आई बात समझ में सो गैस इज ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड इफ द प्रोडक्ट इज इन गैसेज स्टेट देन इट विल बी ऑल्सो इन द सिंपल रेशियो इन द सर्टन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो या फिक्स्ड हो तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ गैसियस रिएक्शन इन अ गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स विच इज सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो रिएक्टेड मतलब गैस इज ऑलवेज कम्बाइंड इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम ठीक है और प्रोडक्ट बना देगी और प्रोडक्ट भी क्या होगा सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम होगा है ना और सेम टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए है ना तो आंसर आपका फिक्स आ जाएगा इतनी बात क्लियर है समझ में आ रही है बात अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा लॉ तो सिंपल लिख भी देंगे एग्जाम में सो so, देखते हैं। चलो क्वेश्चन कैसे आता है सो वी हैव फॉर द गैसियस रिएक्शन आपके पास एक गैसियस रिएक्शन है क्या रिएक्शन है तो हम गई अच्छा वही है देखो H2 plus Cl2 और आपका आंसर है 2HCl ओके okay. तो मैं कहऊंगी तो मुझे गैसियस दिख रही है टेंशन ही खत्म है नाउ क्या कह रहा है ये इनिशियली 20 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड 30 ml ऑफ क्लोरीन आर प्रेजेंट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ HCl अभी दिया कितना है वो तो एक अलग चीज है हमारा रिएक्शन क्या बोलता है तो मैं कहूंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉफ वॉल्यूम है ना और दिया तो गैल्यू ने था ना तो मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू गैल्यू से गैल्यू लेते हो सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम दिस इज ऑल्सो वन वॉल्यूम एंड द प्रोडक्ट विल बी टू वॉल्यूम ऐसा हमें गैल्यूशेक ने जानकारी दी थी वन वॉल्यूम वन वॉल्यूम एंड द आंसर विल बी टू वॉल्यूम नाउ स्टूडेंट्स इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन हाइड्रोजन इज ट्वेंटी एम एल डेटा सो गिव इन डेटा क्या है दिस इज ट्वेंटी एम एल ओके एंड क्लोरीन इज थर्टी एम एल एंड वॉट विल बी एच सी एल ओके इसे तो हम बाद में फाइंड करेंगे सो फिलहाल मेरा जो रिक्वायरमेंट है मेरा जो लॉ कह रहा था वो तो ये कह रहा था एक पे एक चाहिए है ना चाय बनानी है दो कप एक लीटर दूध ले लो एक लीटर पानी ले लो दो लीटर चाय बना दो या एक कप एक कप और दो कप ठीक है तो मैं कह रही हूँ भाई ये अगर ट्वेंटी है तो ये ट्वेंटी ले आओ तो तुम कहोगे थर्टी तो भाई अच्छा ये थर्टी है तो ये थर्टी ले आओ तो कहाँ से लाओगे जो आपको कंडीशन है आपको काम तो उसमें करना है जो रॉ मटेरियल देगा मान लो सिविल इंजीनियर बन गए और आपको कह दिया कि भाई ये सौ बोरी सीमेंट है इसी से ही काम करो तो आप कहोगे नहीं एक चाहिए पाँच अपनी जेब से डाल देता हूँ फिर तो कर ली नौकरी है ना ऐसा नहीं होगा जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग काम करो कि अच्छा भाई अब हमें सौ ही बोरी उसने सीमेंट दिया है हंड्रेड बैग जो है वो सीमेंट के हैं तो अब मैं क्या करूँ मुझे कितना बाकी का सामान मिलाना है जो रॉ मटेरियल मिलाना है वो उसके अकॉर्डिंग मिलाना है ऑब्वियस से अपनी जेब से तो कुछ नहीं करना तो फिलहाल वी हैव ट्वेंटी एम एल देन वी नीड सी एल टू ट्वेंटी एम एल एंड वी हैव गिवन थर्टी एम एल सो टेन एम एल इज एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं कम नहीं पड़ना चाहिए घर से नहीं लगना चाहिए बच जाती है तो बचने तो हम क्या कर सकते हैं बच ही रहा है ना नुकसान तो नहीं हो रहा है ना थर्टी पे थर्टी मैं कहाँ से लेके आऊँगा ओके सो रिएक्शन भी यही बोलती है जो आपका सिंपल लाइफ बोलता है वो ये पहले बोल देता है सो हियर वी नीड ट्वेंटी एम एल क्लोरीन फॉर द रिएक्शन ऑफ ट्वेंटी एम एल हाइड्रोजन विद दिस ओके सो ट्वेंटी एम एल तो मैं कहूँगी यूज हो जाएगा है ना और यहाँ तो मैं कहूँगी ट्वेंटी एम एल यूज हो जाएगा और बचेगा कितना तो भाई ठीक है थर्टी एम दिया है ट्वेंटी एम यूज हो जाएगा तो टेन एम बचेगा उसमें मजा क्या है टेन एम रिमेनिंग ओके नाउ प्रोडक्ट इज टू वॉल्यूम है ना तो बच्चे अगर ये एक वॉल्यूम है तो वो दो वॉल्यूम है थर्टी का सिक्सटी मत कर देना थर्टी तो तुम्हें दिया था तुमने ट्वेंटी काम में लिया तो ट्वेंटी यहाँ काम आया दस तो बच गया ना तो अगर ये एक वॉल्यूम काम आता है तो दो वॉल्यूम बनता है है ना ये ट्वेंटी एम काम आया तो वो फोर्टी एम बचेगा चाहे इससे कर लो थर्टी काम आया थर्टी काम आया ही नहीं ट्वेंटी काम आया तो ट्वेंटी काम आया जितना यूज हुआ उसका डबल विल बी प्रोड्यूस्ड सो फोर्टी एम एल एच सी एल विलोड्यूज आई बात समझ में तो हम कहेंगे ठीक है फोर्टी एम एल एच सी एल बन जाएगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझ में आ गया यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट है बट हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे वॉट इज एल आर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है एक्सेस रिएजेंट क्या होता है फिलहाल ये सिंपल सी कहानी है यहां तक कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते अगेन वी आर गेटिंग सेम रिएक्शन एच टू प्लस टू बोथ रिएक्ट्स एंड गिवस टॉइस ऑफ HCl. ओके

अपना दिमाग मत लगाना जो बता रहे हैं वैसे ही बनाना तो वैसे ही बनाना है सोचना ही नहीं है ठीक है नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन 40 ml हाइड्रोजन सो गिवन डाटा सो स्टूडेंट्स वी हैव 40 ml हाइड्रोजन है ना तो 40 ml हाइड्रोजन है तो 40 ml क्लोरीन चाहिए क्योंकि आपने तो यही सिखाया था एक कप दूध में एक कप पानी मिलाना तो फिर 40 ml में वन वॉल्यूम में वन वॉल्यूम मिलाना 40 ml, 40 ml में 40 ml मिला देना तो बच्चे 40 एम एल रिक्वायर्ड कितना चाहिए तो हम कहेंगे 40 एम एल चाहिए ये आपने दिया है ठीक है और अगर ये एक है ये एक है तो पक्का वो दो है तो 40 40 तो वो 80 बनेगा है ना 80 एम एल obtained सी एल इसमें कुछ सोचना ही नहीं है बोलो सबसे इजी लगेगा अगर गैल्यू से कहलाओ तो मैडम बहुत ज्यादा ही सिंपल हो गया इसमें करना ही क्या है ठीक है एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं तुम्हें mm, बुक से ही होगा शायद तो वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन लॉ ग्यूसिकेस गैसियस वॉल्यूम क्वेश्चन इज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ओ टू इज रिक्वायर्ड ओके द क्वेश्चन ओके सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैल्यूसिक लॉ So, our question is How much volume of oxygen? How much volume of oxygen is required? How much volume of oxygen is required for the complete combustion? For the complete combustion. For the complete combustion of 40 mL acetylene, ठीक है जिन्हें आता है वो फटाफट बना के सॉल्व करेंगे For the complete of 40 विल बी वॉल्यूम ऑफ ऑप्टेड सीओ टू प्रोड्यूस्ड सीओ टू ठीक है अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और यहाँ मैं लिख दे रही हूँ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है इतनी बात कर लो बता दो हमें क्या आंसर होगा मैडम पहले तो एसिटिलीन बता दो वॉट इज एसिटाइलिन सो स्टूडेंट्स एसिटाइलीन इज इथाइन एसिटाइलीन इज इथाइन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी टू एच टू सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच और यू कैन से सी टू एच टू इज एसिटाइलिन सो फर्स्ट रिएक्शन के बिना तो हम कैसे चलेंगे सो दिस इज एसिड आईलिन नाउ कंप्लीट कंबिशन कम्बिशन मीन्स यू आर बर्निंग अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो इट्स कार्बन विल बी कन्वर्टेड इन टू सी ओ टू एंड हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इन टू एच टू ओ अगर किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसका सारा का सारा सी सी ओ टू बनाएगा उसका सारा का सारा एच पानी बनाएगा सो वी विल से वेन सी टू एच टू इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ मीन्स कम्बिशन रियक्शन देन वी विल गेट टू सी ओ टू बिकॉज ये कार्बन आइटम्स आर टू सो वी विल गेट टू सी ओ टू एंड हाइड्रोजन विल फॉर्म वॉटर सो दिस इज एच टू सिंपल एज सिंपल एज यू थिंक लॉव गैल यू से कितना सिंपल सा लॉ है क्या है ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप कर भी सकते हैं बट बैलेंस घर वालों ने बता दिया था कि बच्चे एक कप दूध में एक कप चाय एक कप दूध में एक कप पानी मिलाना तो बैलेंस बैलेंस था आपको दिमाग लगाना ही नहीं था बैलेंस करो विदाउट बैलेंस इक्वेशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस प्रॉब्लम सो ठीक है बैलेंस कर लेंगे सो यर ट्वाइस टू कार्बन तो मैंने दो कार्बन तो लिख ही दिया सो हाइड्रोजन एटम्स आर टू सो एच टू अभी तो मैं लगेगा कि ये ऑक्सीजन का क्या टेंशन है ऑक्सीजन इज टू टूज फोर एंड

तो अगर मैं पांच ओ टू लिख देती हूं तो ये तो दस ऑक्सीजन देता है बट मुझे तो चाहिए पांच ओ नॉट फाइव ओ टू फाइव ओ टू मीन्स दिस इज टेन ओ बट आई नीड फाइव ओ तो तुम कहोगे अच्छा यार ठीक है ना मैडम आधा कर दो क्यों ही परेशान हो रहे सही है फाइव बाई टू जैसे हम बोलते हैं ढाई फाइव बाई टू भी तो हो गया ढाई टू पॉइंट फाइव ठीक है ना सो नाउ इट इज बैलेंस्ड

दिस इज फाइव बाई टू वॉल्यूम अभी ऐसा नहीं सोचना आपने तो कहा था कि गैस जो है वो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन होती कि तो प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम मुझे एक लीटर में बताना है भाई गैस तो है तो ना दो लीटर दो लीटर मिल और आंसर तीन लीटर आ रहा है लेकिन वो पूछ रहा है कि नहीं तुम्हारे पास तो एक लीटर ही तो मुझे पता है टू लीटर टू लीटर और आंसर कितना है थ्री लीटर अब तुम यहाँ वन करोगे यहाँ पे मैं वन लेऊँगी तो वहाँ उसका आधा ले लूँगी वन पॉइंट फाइव तो मुझे मैं बताऊँगी डेढ़ लीटर बनेगा

तो हम गए एक पे ढाई खर्चा आता है सीधी सीधी हिसाब है एक पे ढाई गुना खर्चा एक है, तो है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई किया तो भी 40 से करो। so, हो जाएगा हंड्रेड सो दिस हंड्रेड एम एल ठीक है नाउ क्या पूछा उसने हाउ मच ऑक्सीजन तो इतना ऑक्सीजन चाहिए एंड वट विल ऑपटेंड सी ओ टू वॉल्यूम ऑफ ऑपटेन सी ओ टू सो स्टूडेंट सी ओ टू इज टू वॉल्यूम इफ वी आर यूजिंग वन वॉल ऑपटेन सी ओ टू इज टू वॉल्यूम वी आर एम एल तो ऑपटे सीओ टू कितना होगा दिस विल बी एटी एम एल क्लियर सिंपल सिंपल सवाल है नाउ वट वि वॉटर पेपर सो दिस इज फोर्टी एम एल दिस वि ऑलसो फोर्टी एम एल ठीक है सो दिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम आई थिंक सिंपल सा लॉ है कहीं कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए ठीक है तो लास्ट में एक ही चीज़ अच्छा लगेंगे तो लाइक कर देंगे है ना अभी तक बने हुए हैं इसका मतलब समझ में आ ही रहा है कुछ फायदा हो ही रहा है तो ठीक है फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेंगे इंग्लिश होने वाले बच्चों को तो कुछ कहने की जरूरत होती नहीं है वैसे है ना अपने आप स्प्रेड हो जाता है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ Till then, take care and bye bye.